एलएसी परछाई शांति पर सस्पेंस, एक चिंगारी भड़का सकती है तनाव। दोस्तों, कोरोना महामारी पर पूरी दुनिया में घिरे चीन की दोस्तों की फेहरिस्त घटती जा रही है और अब उसके खिलाफ दुनिया के कई बड़े देश हो रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ तनातनी के बाद दोनों देशों के बीच फिलहाल तनाव शांत है। पिछले महीने एलएसी पर तनाव के बीच गोली तक चल गई थी, लेकिन फिर भी पिछले काफी दिनों से इस इलाके में शांति छाई हुई है। ना तो चीन की तरफ से कोई हिमाकत हुई और ना ही भारत ने कुछ किया, जिसे देखकर मन में शंका उठ रही है। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिक बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। तनाव अभी भी चरम पर है। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग भड़का सकती है। जरा सी गड़बड़ हुई तो गलवान से भी बड़ी घटना सामने आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे थामना मुश्किल हो जाएगा। अभी पिछले महीने 10 सितंबर को ही दोनों देशों के विदेश मंत्री मॉस्को में मिली थी, जहां चीन ने शांति की बात करते हुए सेना को पीछे करने की बात कही थी, लेकिन चीन ने वादा किया लेकिन उसे निभाया नहीं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था जब चीन ने इस तरह का कोई वादा किया हो। भारत ने एक बार फिर चीन से दो टूक कहा है कि वो एलएसी से अपनी सेना को पूरी तरह से हटा ले। सातवीं दौर की बातचीत में भारत ने चीन से कहा था, पहले आए पहले जाओ की तर्ज पर उसके सैनिकों को एलएसी और पूर्वी लद्दाख से हटना होगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच 12 अक्टूबर को बातचीत होना तय है। हालांकि बाकी बैठकों की तरह ही इसमें भी कोई हल निकलता नहीं दिखने वाला, क्योंकि चीन इस इलाके में तनाव को कम करने की बजाय बढ़ाने की कोशिश में है। भारत के सवालों पर चीन की चुप्पी। दोस्तों, भारत लगातार चीन से दो टूक सवाल कर रहा है, लेकिन चीन ने सेना पीछे करने के मामले में चुप्पी साध रखी है। उसने जमीनी स्तर पर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए हैं जो ये साबित करे कि उसकी मंशा तनाव कम करने की है। वैसे भारत ने चीन से निपटने की तैयारी कर रखी है, क्योंकि चीन का इतिहास धोखे से भरा हुआ है। वो पहले भी शांति की बात कर भरोसे की जमीन पर धोखे का बीज बो चुका है। ऐसे में भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है, सेनाएं बिल्कुल अलर्ट पर हैं। चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच 10 सितंबर को हुई बातचीत के बाद हालांकि ड्रैगन ने कोई भड़काऊ कदम नहीं उठाया है, लेकिन एलएसी पर तनाव में कोई कमी नहीं दिख रही है। एलएसी पर आलम यह है कि दोनों देशों की सेनाएं अपनी जगह पर टिकी हुई हैं। आने वाले समय में इस इलाके में ठंड का सीजन शुरू होगा, जिससे इस इलाके में रहना आसान नहीं होगा। भारत को भरोसा है कि चीन को मात देने के लिए भारतीय सैनिक पूरी तरह से ट्रेन्ड हैं। ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में लड़ाई में भारतीय सेना को महारत हासिल है। पेंगोंग और फिंगर फोर्ड पर भारत की पैठ बढ़ने के बाद अब मोदी सरकार चीन को कोई ढील देने के मूड में नहीं है, क्योंकि चीन भरोसा तोड़ने में माहिर है। एलएसी पर दोनों पक्षों के हजारों सैनिक तैनात हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी भी गड़बड़ी मामले को बिगाड़ सकती है। चीन को रोकने के लिए महागठबंधन तैयार। दरअसल चीन के खिलाफ दुनिया एकजुट होती जा रही है। इसके पीछे भी चीन की विस्तारवादी नीति है। भारत के साथ ही चीन का अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से विवाद चल रहा है। ये सभी देश अब साथ आ गए हैं, और शायद यही वजह है कि चीन पूर्वी लद्दाख में बिल्कुल खामोश बैठा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड को चीन के खिलाफ मजबूत गठबंधन के तौर पर तैयार करने में जुटे हैं। टोक्यो में इस गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए जापान पहुंच गए हैं। चीन के खिलाफ इस गठबंधन में कनाडा के भी शामिल होने की खबरें हैं। कनाडा के हाल के महीने में भारत के साथ काफी चर्चाएं हुई हैं, और उसने SCS में ताइवान के रास्ते एक जंगी जहाज भी भेजा है। माना जा रहा है कि ये चीन के खिलाफ एक संदेश है। चीन भले ही खुद को ताकतवर मान रहा हो, लेकिन अनेकता में एकता वाले फॉर्मूले से भारत चीन को धराशायी करने का पूरा प्लान बना चुका है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को खतरे में डालने और दुनिया के माहौल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा चुके हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। भारतीय सेनाओं ने कुछ बेहद अहम ऊंचाई वाले इलाकों में पैठ बनाकर ड्रैगन को बैकफुट पर धकेल दिया है। एलएसी पर दोनों देशों के कई ब्रिगेड तैनात हैं। सूत्रों के अनुसार हजारों की संख्या में तैनात सैनिकों के बीच अगर थोड़ी सी गलतफहमी हुई तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। वैसे तो चीन हर तरफ से घिरा हुआ है, हो सकता है इसलिए चीन चुपचाप बैठकर मौके का इंतजार कर रहा है। वैसे भी चीन से टकराव को देखते हुए भारत लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। रफेल से लेकर खतरनाक मिसाइल तक भारत ने एलएसी के करीब तैनात कर रखे हैं।